दी शाम अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सीधी शाम अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको बाबा खाटू श्याम के अवतरण की परम कल्याणकारी पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भक्तों का उद्धार करने के लिए बाबा श्याम ने भारत वर्ष की इस पावन धरा पे अवतरण लिया और किस प्रकार ये खाटू नगरी में आकर हारे के सहारे बने। प्रिय भक्तों, इतिहास गवाह है, खाटू श्याम जी के दरबार से सच्ची निष्ठा रखने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। एक बार मेरे श्याम को अपनी इच्छा बताकर तो देखो, कब चमत्कार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो भक्तों, श्री श्याम के चरणों में शीश झुकाकर आइए सुनते हैं इनके अवतरण की पावन कथा। उनकी माता हिडिंबा ने ही किया। प्रिय भक्तों, जब वीर घटोत्कच विवाह योग्य हुए तो अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से वो इंद्रप्रस्थ में आ गए, जहां उनकी भेंट अपने पिता श्री भीम और सभी पांडव भाइयों तथा श्री कृष्ण से हुई। प्रिय भक्तों, वीर घटोत्कच की माता चाहती थी कि इंद्रप्रस्थ रहकर घटोत्कच अपने पिता और सभी की सेवा करें। तो वीर घटोत्कच ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और इंद्रप्रस्थ आ गए। प्रिय भक्तों, वीर घटोत्कच विवाह योग्य तो हो ही गए थे, अतः श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वो कामरूप जाकर मुर नामक दैत्य की पुत्री मोरवी से विवाह करें, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा ही मोरवी के पिता मुरदैत का वध हुआ था। और श्री कृष्ण ने जब मुरदैत का वध किया तो मोरवी को उन्होंने वचन दिया था कि काम रूप में रहते हुए तुम्हें वीरपति की प्राप्ति होगी। मोरवी को ये श्री कृष्ण ने वचन दे दिया था, वीर घटोत्कच ने जाकर तब उनसे विवाह किया था। पुत्र जो वीर घटोत्कच और मोरवी को हुआ है, चमत्कार हुआ, जन्म लेते ही बड़ा हो गया है। वीर घटोत्कच अपने पुत्र को देख बड़े हर्षाए, पुत्र और पत्नी को लेकर हिडिंब राज चले आए।
देश थे तब ये नाम दिया है। बचपन का ये नाम तो वो दादी से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पर बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, वीर घटोत्कच और मोरवी का पुत्र जन्म के साथ ही बड़ा हो गया था। इनके बब्बर शेर जैसे बाल देखकर दादी हिडिंबा ने इन्हें बरबरीक नाम दिया। प्रिय भक्तों, बरबरीक ने माता और पिता दोनों के ही गुणों को प्राप्त किया था। जिस प्रकार इनके पिता वीर घटोत्कच बड़े ही बलशाली थे और माता मोरवी जो कि माँ कामाख्या की उपासक थी, इसी प्रकार बरबरीक भी माता मोरवी की आज्ञा पाकर माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की इच्छा से वन की ओर प्रस्थान कर गए। शाम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, बरबरीक ने माँ जगदम्बा की कठिन तपस्या करके तीन अमोघ बाण प्राप्त कर लिए और तत्पश्चात वो अपनी माता मोरवी के पास लौट आए। माता ने बरबरीक को शिक्षा दी कि सदैव निर्बल का साथ देना। माता की शिक्षा से ही बरबरीक निर्बल और हारे हुए का सहारा बने थे। श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे वो तीन बाण पाके और निर्बल का बने सहारा शाम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि बरबरीक ने सदैव निर्बल का साथ निभाया था, जिसकी शिक्षा इन्होंने अपनी माता से पाई थी, इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि सदैव हारे हुए का सहारा बनकर रहेंगे। प्रिय भक्तों, इधर जब कौरवों और पांडवों के युद्ध की घोषणा हो गई तो
बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा ली कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। माता मोरबी ने आज्ञा देते हुए बर्बरीक से प्रश्न किया। प्रश्न किया तो बर्बरीक ने कहा, हे माते, जिस प्रकार आपने मुझे शिक्षा दी है मैं सदैव ही उसका अनुसरण करूंगा, और जो वचन मैंने आपको दिया है कि सदैव हारे हुए का सहारा बनूंगा, तो माता यदि मुझे युद्ध करना पड़ा तो अपने वचन अनुसार मैं हारे हुए पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। इतना कहकर बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। युद्ध भूमि के लिए जो करने लगे हैं वो प्रस्थान, लिए हैं अपने तरकश में बस दिव्य तीन वही बाण, और फिर अपने नीले घोड़े को किया है तैयार। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहे हैं, तो वो ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक के पास आए और कहने लगे कि हे योद्धा, तुम कौन हो? बर्बरीक ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को पहचान ना पाए और ब्राह्मण समझकर ही उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं मोरवी नंदन बर्बरीक हूँ और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जा रहा हूँ। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कहने लगे, में हो लाए तीन बार से कैसे भलाई
छेद कर बाण मेरे वापस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, बरबरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से कहा कि हे विप्रदेव, मेरे इन तीन बाणों को साधारण समझने की भूल ना करें। मेरे ये तीनों ही बाण दिव्य हैं, मेरे एक ही बाण में इस युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है, अतः आप मेरे तीन बाणों पर संशय ना करें। ये ऐसे दिव्य बाण हैं जो लक्ष्य को भेद कर फिर से मेरे तरकश में लौट आएंगे। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बरबरीक ने अपने वचना अनुसार हारे हुए पक्ष का साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित है। इतना सोचकर श्री कृष्ण बरबरीक से कहने लगे, दिव्य बाण है तीनों आपके, सत्य कैसे मानो, जो प्रमाण दिखा दो इसका तब ही मैं जानूं। श्री कृष्ण फिर एक पीपल के पास में आए हैं, घन पीपल के बरबरीक को पत्ते दिखाए हैं और कहने लगे, बरबरीक से अब तुम बाण चलाओ, इस पीपल के सब पत्तों को भेद के मुझे दिखाओ। बरबरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और चलाने से पहले भगवती का ध्यान लगाया। पांव तले एक पत्ते को श्री कृष्ण दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। प्रिय भक्त जनों, जो ही बरबरीक ने बाण को चढ़ाकर माता का ध्यान किया, श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से पीपल का एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया और बरबरीक ने ध्यान करके अपने बाण को छोड़ दिया। बरबरीक के दिव्य बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पांव के पास आकर बाण रुक गया। तब बरबरीक कहने लगे, हे विप्रदेव, मैंने अपने बाण को केवल पीपल के पत्ते भेदने का आदेश दिया है, आपके पांव को नहीं, अतः आप अपना पांव पीछे हटाइए ताकि मेरा बाण आपके पांव के तले पत्ते को भी भेद सके। श्री कृष्ण ने जो ही अपना पांव पीछे हटाया, बरबरीक का दिव्य बाण उस पत्ते को भेद कर तरकश में चला गया। शक्ति को पहचान लिया, बरबरीक से बोले, तुम हो योद्धा बड़े महान, युद्ध भूमि में जा रहे हो, कुछ करो ब्राह्मण को दान। सुनकर बोले बरबरीक, है विप्रदेव क्या चाहिए, होकर निसंकोच अपने मन की इच्छा बताइए। श्री कृष्ण ये दोगे, मैं मांगूंगा जो। श्री कृष्ण फिर बरबरीक से वचन भराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता।
प्रिय भक्त जनों, ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने बरबरीक से वचन ले लिया कि जो भी वो दान में मांगेंगे वही देना होगा। बरबरीक ने भी वचन दे दिया कि वो मुंह मांगा दान ब्राह्मण को दे देंगे। तब दान में श्री कृष्ण ने बरबरीक के शीश को ही मांग लिया। जो ही दान में ब्राह्मण ने बरबरीक का शीश मांगा, बरबरीक तत्काल ही पहचान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, और उनसे विनती की कि हे विप्रदेव, कोई भी ब्राह्मण दान में किसी का शीश नहीं मांग सकता, कृपा करके आप मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। झुकाया है और कहा के युद्ध देखने की थी मेरी इच्छा, पर मैं शीश का दान करूंगा, वचन मेरा है सच्चा। बरबरीक ने स्वयं शीश को फिर है काट लिया, प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण के हाथों में है दिया। श्री कृष्ण ये बोले, इच्छा रहेगी नहीं अधूरी, पूरी। बरबरीक के शीश को अमृत पान कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता। इस प्रकार अपनी युद्ध देखने की इच्छा बताकर प्रसन्नता पूर्वक बरबरीक ने अपने शीश का दान कर दिया। तब ये ही शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर बरबरीक के शीश को अमृत पान करवाया और कहा कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। और उन्होंने बरबरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर रखवा दिया, जहां से संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा जा सके। महाभारत का युद्ध चला है 18 दिन तक, बरबरीक का शीश युद्ध में देख रहा था सब। कृष्ण उन्हें बरबरीक के पास मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बरबरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लखदाता। प्रिय भक्त जनों, जब पांडवों को अपने बल पर अभिमान हो गया तो श्री कृष्ण कहने लगे कि बरबरीक के शीश ने संपूर्ण युद्ध को देखा है, चलो उसी से पूछते हैं कि विजय श्री किसके कारण प्राप्त हुई। जब पांडवों ने बरबरीक के शीश से पूछा तो उन्होंने कहा कि युद्ध में मैंने ना तो अर्जुन का गांडीव चलता हुआ दिखाई दिया, ना ही भीम की गदा। इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चला, जिसके कारण तुम्हें विजय प्राप्त हुई। इतना सुनकर पांडवों का शीश लाज के मारे झुक गया।
और उन्होंने श्री कृष्ण यों बर्बरीक से अपने मिथ्या अभिमान पर ग्लानी करते हुए क्षमा याचना की। श्री कृष्ण बर्बरीक से बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, तुमने शीश का दान करके प्रमाणित कर दिया कि तुमसे बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। तुमने हारे हुए पक्ष का साथ निभाने का जो वचन अपनी माता को दिया था वो कलयुग में पूरा होगा और तुम्हारे इस शीश की पूजा कलयुग में मेरे नाम से होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दिया है ये वरदान, मेरे नाम से ही कलयुग में होगी तेरी पहचान। और हारे का सहारा कहकर लोग बुलाएंगे, कभी निराश न लौटेंगे जो दर पे आएंगे। बर्बरीक का तब से भक्तों नाम पड़ गया शाम, राजस्थान की खाटू नगरी में बना पावन धाम। लाखों भक्त आते हैं जिनके दर पे दर्शन करने, हंसराज रलहन भी लगा है श्याम नाम को सिमरने। फौजी सुरेश और डीएस पाल भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता, श्री श्याम लिए अवतार और बन गए लख दाता। हम श्री श्याम अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।